दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो एक साउथ इंडियन सस्पेंस मूवी है। मूवी के लास्ट तक आपको उठने का मौका नहीं मिलेगा और साथ में आप भी एंड में सोचेंगे कि आखिर डायरेक्टर को ये एंडिंग रखनी चाहिए थी या नहीं। अब एंडिंग के बारे में तो मैं आपसे लास्ट में ही पूछूंगा, लेकिन उससे पहले शुरू करेंगे इस शानदार मलयालम सस्पेंस थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है वाशी। मूवी की शुरुआत होती है अविन नाम के लड़के से, जो अपने परिवार से अलग पहचान बनाने के लिए एक लॉयर बना है। अब छोटे मोटे केसेस लड़कर वो अपना एक्सपीरियंस गेन करता रहता है, इसलिए उसके पास अपना कोई ऑफिस नहीं होता। इस चीज में सतीश नाम का एक लॉयर, जो उसका फ्रेंड भी होता है, वो उसकी मदद करता है। सतीश खुद भी एक जाना माना लॉयर होता है। इसके बाद हम देखते हैं माधवी को, जो एक बहुत बड़े लॉयर के पास असिस्टेंट का काम करती रहती है। माधवी एक बड़ी वकील बनना चाहती है, लेकिन अभी वो अपने वकील के क्लाइंट्स का पेपर वर्क करती रहती है। अब अविन और माधवी एक ही पेशा होने की वजह से एक दूसरे से बात भी करते रहते हैं और अविन माधवी को पसंद भी करने लगता है। खैर, अब हम अविन को डिनर करते हुए देखते हैं, जहां आज उसके जीजा उसके घर आए होते हैं। बातों ही बातों में वो अविन को बताते हैं कि मैं इलेक्शन से पहले जेकब को फंडिंग कर रहा हूं, क्योंकि उसके जीतने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। अगर वो जीत गया तो मुझे एक और बार के लिए आसानी से लाइसेंस मिल जाएगा। साथ ही मैंने अविन के लिए भी कुछ सोच रखा है। अविन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने जीजा को थैंक्स बोलता है। खैर, अब दूसरे दिन माधवी अपने एक क्लाइंट को बेल दिलवाने के लिए कोर्ट में हाजिर होती है, लेकिन उस वक्त अपने सीनियर वकील की लापरवाही की वजह से उससे एक डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, जिस वजह से जज उस आदमी को बेल नहीं देती। अब इस बात से गुस्सा होकर वो कैंटीन में आती है, जहां अविन और सतीश बैठे होते हैं। वो कहती है कि आज के बाद मैं खुद से प्रैक्टिस करूंगी, मैंने वकील साहब का काम छोड़ दिया है। अब अविन बहुत दिनों से ऑफिस की तलाश में होता है और सतीश और वो उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। इस बीच माधवी कहती है कि मुझे एक ऑफिस की जरूरत है अपने लिए, तो सतीश उसे भी वही ऑफिस रिकमेंड करता है जो उसने अभी अविन को बताया था। लेकिन अविन को सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उस जगह को पहले से देख चुका था और ऑफिस उसे पसंद था। हालांकि माधवी उससे कहती है कि तुम कहीं और देख लो, मुझे इस वक्त जल्दी से अपना ऑफिस खोलना होगा। दोनों के बीच बढ़ते तनाव को देखकर सतीश दोनों से कहता है, अरे एक काम करो, उस जगह पर आधा आधा पार्टीशन कर लो और दोनों अपना ऑफिस ओपन कर लो, इससे तुम दोनों का किराया भी आधा आधा हो जाएगा। अब इसके लिए दोनों मान जाते हैं और फिर वो उस जगह पर अपना ऑफिस शुरू कर देते हैं। रोज एक ही ऑफिस में काम करने की वजह से अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं, लेकिन वकील आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा। खैर, अब यहाँ हमें पता चलता है कि अविन के जीजा जी ने जिस जेकब नाम के मंत्री को फंडिंग किया था, वो इलेक्शन में जीत चुका है। अब कुछ दिनों में उसे एक मंत्री का पद भी मिल जाता है, जिसके बाद अविन के जीजा जी अविन को उसके पास लेकर जाते हैं और रास्ते में कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। यहाँ अविन को पता चलता है कि अब अविन को एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया गया है, यानी सरकार का खुद का वकील। ये सुनकर अविन बहुत खुश होता है और अपने जीजा जी को थैंक्स बोलता है। अपने बेटे की तरक्की को देखकर अब अविन के माता पिता उसे शादी के लिए कहते हैं, तो वो उन्हें माधवी के बारे में बताता है। अब उसके पेरेंट्स माधवी की कास्ट को लेकर थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन अविन उन्हें भरोसा दिलाता है कि माधवी एक अच्छी लड़की है और साथ में बहुत अच्छी लॉयर भी। अब फाइनली दोनों के पेरेंट्स मान जाते हैं और उनकी शादी की तैयारियां होने लगती हैं। इसके बाद जब एक दिन अविन अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तभी उसे माधवी का कॉल आता है। अब उस दिन अविन को कोर्ट जाने की जल्दी होती है, इसलिए वो हड़बड़ाहट में फोन उठाकर कहता है कि माधवी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुमको फ्री होकर कॉल करूंगा, और इतना कहकर वो फोन रख देता है। इसके बाद अविन कोर्ट में अपने क्लाइंट के केस के लिए पहुंचता है। केस में गौतम नाम का बंदा होता है, जिसके ऊपर इल्जाम होता है कि उसने अनुष्का नाम की लड़की के साथ प्यार का नाटक किया और फिर उसका इस्तेमाल करके उसे धोखा दिया। अब यहाँ पर स्टोरी एक जबरदस्त ट्विस्ट लेती है। असल में अनुष्का का केस मिला होता है अविन को और गौतम का केस मिला होता है माधवी को। माधवी यही बताने के लिए अविन को सुबह कॉल कर रही थी कि वो दोनों आज एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, पर अविन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। खैर, अब माधवी कोर्ट में आती है और जज से कहती है कि अनुष्का ने गौतम के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, इसलिए प्लीज सर उसे बेल दे दी जाए। तभी अविन कहता है कि सर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, मैंने इस केस को अभी ठीक से स्टडी नहीं किया, इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए। जज अविन की बात मानकर केस को आगे बढ़ा देता है। अब इसके बाद अविन और माधवी सतीश के पास आते हैं, जहां माधवी उसे बताती है कि मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कॉल किया था कि आज हम आमने सामने होंगे। अविन कहता है कि मैं कोर्ट जाने की जल्दी में था, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी एक को ये केस छोड़ देना चाहिए, पर माधवी कहती है कि गौतम मेरा रिलेटिव है,
और मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मेरे ऊपर रिलेटिव का प्रेशर है और मैं ये केस नहीं छोड़ सकती। अविन कहता है कि मैं पीपी बनने के बाद पहला केस लड़ रहा हूँ, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरे करियर के ऊपर सवाल उठ जाएगा, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दोनों के बीच ये सब होते देख सतीश कहता है कि तुम दोनों वकील हो तो वकालत करो ना, आपस में क्यों लड़ रहे हो, तुम दोनों अपना अपना केस लड़ो, लेकिन अपनी पर्सनल जिंदगी में इसका कोई डिस्कशन मत करना, ये प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें पर्सनल लाइफ को बीच में मत लाओ, इसलिए अपना अपना काम करो। अब अगले दिन अविन अनुष्का के फादर से कहता है कि मुझे इस केस की बारीकी के लिए अनुष्का से मिलना होगा, इसलिए उसका फादर अब अविन को अपने घर बुलाता है। घर जाकर अविन अनुष्का से पूछता है कि उस दिन क्या क्या हुआ, मुझे सच सच बताना और कुछ भी मत छिपाना। अनुष्का कहती है कि मेरी सायरा नाम की एक रूममेट है और गौतम उसका फ्रेंड था। मेरी जॉब के लिए सायरा ने गौतम से बात की और मेरा रेज्यूमे उसे दे दिया। कुछ दिन में मेरी जॉब उसी ऑफिस में लग गई जहां गौतम काम किया करता था, और देखते ही देखते गौतम और मैं अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे से प्यार करने लगे। तभी अविन पूछता है कि क्या कभी गौतम ने तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। अनुष्का कहती है कि नहीं, उसने कभी डायरेक्टली मुझे ऐसा नहीं कहा, लेकिन मुझे फील होता था कि वो मुझसे प्यार करता है। इसी बीच एक दिन हम ऑफिस के काम से गौतम के घर गए थे और हमारे साथ विमल भी था जो हमारा कलीग था। कुछ देर बात करने के बाद हमने वाइन पी और फिर विमल वहाँ से चला गया, जिसके बाद मैं और गौतम एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन सुबह होने के बाद जब मैंने गौतम से शादी के लिए कहा तो उसने कहा कि वो शादी नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसे बेस्ट फ्रेंड मानता है। ये सुनकर अविन चुप हो जाता है और बाहर आकर अनुष्का के पिता से बात करने लगता है। उसके पिता बताते हैं कि उस रात के बाद जब मैंने गौतम को कॉल किया तो उसने शादी से मना कर दिया। मेरी बेटी ने उसके बाद हॉस्टल में खुद की जान लेने की कोशिश की, लेकिन सायरा ने उसे बचा लिया, जिसके बाद मैं अनुष्का को घर ले आया और फिर गौतम पर केस कर दिया। उधर हम देखते हैं कि माधवी भी अब गौतम से बात करने के लिए आई हुई है। गौतम भी उसको यही सब बताता है और लास्ट में कहता है कि उस रात जो कुछ हुआ वो नशे में हुआ, मैं सच में उसे प्यार नहीं करता, हाँ लेकिन फ्रेंड जरूर मानता हूँ। यही बात मैंने उसके पापा को भी बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझ पर केस ठोक दिया। खैर, इस सब के बीच जैसा तय हुआ था, माधवी और अविन अपनी पर्सनल लाइफ में ये सब बातें नहीं करते और अपने लिए नया घर देखने के लिए जाते हैं ताकि शादी के बाद वहाँ शिफ्ट हो सकें। खैर, इस केस की दूसरी तारीख आती है तो जज कहता है कि सिर्फ इस केस से रिलेटेड लोग ही यहाँ रहें, बाकी सभी यहाँ से बाहर चले जाएं। जिसके बाद कोर्ट रूम में सिर्फ अविन, माधवी, अनुष्का और गौतम ही रहते हैं। अब यहाँ अविन अनुष्का को बुलाकर सारी बातें जज साहब को बताने के लिए कहता है, जिसके बाद अनुष्का ठीक ऐसा ही करती है। इसके बाद अविन जज को दोनों की व्हाट्सएप चैटिंग और फोटोज दिखाता है और कहता है कि सर, इसी से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से कितना करीब थे। इसके बाद वो जज को अनुष्का का ड्रेस दिखाते हुए कहता है कि उस रात अनुष्का ने इसी ड्रेस को पहना था, इस ड्रेस के बटन निकले हुए थे। इसका मतलब जब उस रात अनुष्का नशे में थी तो गौतम ने उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद अविन अनुष्का से सवाल करता है कि क्या आप रोज वाइन पीती हैं या फिर कभी कभी। अनुष्का कहती है कि मैंने सिर्फ उस रात पी थी, मैं रोज रोज नहीं पीती और उस रात मैंने गौतम के कहने पर वाइन को पिया था। अविन कहता है कि सर, इससे साफ पता चलता है कि गौतम ने उस रात शराब पिलाकर जानबूझकर अनुष्का के साथ जबरदस्ती की। यहां माधवी कहती है कि जज साहब, हो सकता है माधवी ने ही अपनी ड्रेस के बटन को निकाल दिया हो इस केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और वैसे भी आजकल सभी दोस्त ऐसे ही फोटोज लेते हैं जैसे इन दोनों के हैं, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि अनुष्का के साथ कोई जबरदस्ती हुई है। और रही बात प्यार की, तो मेरे क्लाइंट गौतम ने कभी भी अनुष्का से नहीं कहा कि वो उसको प्यार करता है। अब इतना सुनने के बाद जज इस केस को अगली तारीख के लिए आगे बढ़ा देता है और इसके बाद अविन और माधवी एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। अब अविन क्रिश्चियन होता है और माधवी हिंदू, इसलिए ये शादी मंदिर और चर्च दोनों में अलग अलग तरीके से कंप्लीट की जाती है। अब शादी के बाद दोनों अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन दोनों के अंदर अपने अपने केस को लेकर हल्की फुल्की टेंशन भी चल रही होती है। खैर, इसी बीच एक दिन जब माधवी अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही होती है तो वो देखती है कि उसके ड्रेस के बटन अपने आप निकल गए हैं, इसलिए वो अपनी ड्रेस लेकर अविन के पास जाती है और कहती है कि जरूरी नहीं ये बटन जबरदस्ती करने पर ही निकले, ये अपने आप भी निकल सकते हैं, देखो जैसे ये निकले हैं। अब अविन ये देखकर माधवी को वादा याद दिलाता है कि वो केस की बातें अपने पर्सनल लाइफ में नहीं करेंगे। ये सुनकर माधवी चुप हो जाती है। खैर, अब एक दिन अविन की फैमिली उनके घर पर डिनर के लिए आती है, जहां अविन के जीजाजी से हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले वो एक आदमी का केस लेकर माधवी के पास आए थे, लेकिन माधवी ने उसके लिए मना कर दिया था और ये बात उनको पसंद नहीं आई, इसलिए आज डिनर टेबल पर वो माधवी को ताना देते हुए अविन से कहते हैं कि अविन, तुम दोनों एक ही केस को लड़ रहे हो,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को जीतो, वरना हम लोगों की नाक कट जाएगी कि हमारे घर का आदमी अपनी वाइफ से केस हार गया। अब अविन ये सुनकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन माधवी को ये बात पसंद नहीं आती और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। खैर, अब अगले दिन अविन विमल को कोर्ट में पेश करता है और उससे पूछताछ करने लगता है। विमल कहता है कि उस दिन हम लोग मीटिंग के सिलसिले में गौतम के घर गए थे, लेकिन मैंने उस रात ड्रिंक नहीं की क्योंकि मुझे ड्राइव करना था। उस रात दो पैक पीने के बाद अनुष्का ने नहीं पिया, पर फिर गौतम ने उसको और पीने के लिए बोला। अविन पूछता है कि जब तुमको ये पता था तो तुम वहाँ से चले क्यों गए? तुम अनुष्का को उसके घर ड्रॉप कर सकते थे ना? इस पर विमल कहता है कि सर, पूरे ऑफिस में ये खबर थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ में गौतम उसको कई बार खुद भी ड्रॉप करता था, इसलिए मुझे लगा कि वो उसको आज भी ड्रॉप कर देगा। इसके बाद अविन कहता है, देखिए जज साहब, अनुष्का के मना करने पर भी गौतम ने उसको और शराब पिलाई। इससे साबित होता है कि जो कुछ उस रात हुआ वो उसका प्लान था। तभी माधवी विमल से पूछती है कि अच्छा ये बताओ, उस रात वो वाइन की बोतल कहाँ से आई? क्या वो गौतम ने घर पर रखी थी? विमल कहता है, नहीं मैडम, वो बोतल रास्ते से अनुष्का ने ही खरीदी थी। माधवी पूछती है कि उसने क्यों खरीदी, क्या गौतम ने उसको फोन करके बोला था? तो विमल बताता है कि मेरे सामने गौतम ने कोई फोन नहीं किया, वो बोतल अनुष्का ने ही अपने आप खरीदी थी। माधवी कहती है कि जज साहब, इससे साबित होता है कि गौतम ने वो बोतल नहीं खरीदी थी। अगर वो उसको खुद लाता तो एक बार में इसको प्लान भी कह सकते थे, लेकिन अब लगता है कि शायद ये सब अनुष्का का किया हुआ है ताकि वो गौतम को अपने जाल में फंसाकर शादी के लिए मजबूर कर सके। जज अब इस मामले में और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आप दोनों की दलीलें सही हैं, लेकिन अभी दोनों पक्ष मुझे एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए आप ठोस सबूत के साथ आइए, मैं अगली तारीख दे रहा हूँ। खैर, उस दिन कोर्ट में हुई आपसी नोकझोंक को देखकर सतीश समझ जाता है कि अविन और माधवी इस केस के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को हर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो इस मामले को सुलझाने के लिए उन दोनों को अपने घर पर डिनर पर बुलाता है। इस बीच बातों ही बातों में माधवी अविन के जीजाजी के बारे में बताने लगी कि एक दिन वो एक केस मेरे सामने लाए, लेकिन सारे सबूत उनके खिलाफ थे, वो आदमी दोषी था, इसलिए मैंने वो केस लेने से मना कर दिया। अविन को ये बात पसंद नहीं आती और वो सतीश के सामने ही फिर से गौतम और अनुष्का के केस की बातें करने लगता है। माधवी कहती है कि हम सभी जानते हैं कि एक आदमी इस तरह के केस में आसानी से फंसाया जा सकता है और मुझे लगता है गौतम के साथ यही हो रहा है। मैं उसको अपने बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसको इंसाफ दिलवाऊंगी। इस बात पर अविन और माधवी के बीच एक बार फिर से टकराव हो जाता है और सतीश का प्लान फेल हो जाता है। उस रात जब दोनों वापस आते हैं तो एक दूसरे से बात तक नहीं करते और मन ही मन सोचते हैं कि अब ये केस उनके ऊपर आ चुका है, उनको इसे जीतना ही पड़ेगा। खैर, अब अगली बार माधवी गौतम के घर में काम करने वाली मेड को पेश करती है। वो कहती है कि सुबह मैं जब गौतम के घर पर आई तो गौतम और अनुष्का एक दूसरे के साथ हंसकर बात कर रहे थे। माधवी पूछती है कि क्या उस वक्त अनुष्का के कपड़े की बटन ठीक थे? तो मेड कहती है कि हाँ, वो एकदम ठीक थे। तभी अविन आकर उससे पूछता है कि जब किसी लड़की का ड्रेस बिगड़ जाता है तो वो नॉर्मली स्कार्फ से उस ड्रेस को कवर करती है, और उस दिन अनुष्का ने ये शॉल पहन रखा था, क्या आपने इस शॉल को देखा था? वो मेड कहती है कि जी सर, देखा था। अविन कहता है कि अगर आपने शॉल को देखा था तो फिर बटन को कैसे देखा आपने कि बटन थे या नहीं? अब ये सुनकर वो मेड थोड़ा हड़बड़ा जाती है और कभी हाँ और कभी ना करने लगती है। इसी चक्कर में वो कबूल करने लगती है कि ये सब उसको माधवी ने बोलने के लिए कहा था कि कोर्ट में तुमको ऐसा ऐसा बोलना है। ये सुनकर अब जज माधवी को डांटने लगता है और उसे वार्न करता है कि अगर आपने फिर से ऐसा कुछ किया तो आपको अपने लाइसेंस से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद जज उस औरत के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करता और माधवी को भी सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अब ये सब देखकर अविन को भी हंसी आ जाती है, जिससे दुखी होकर माधवी अकेले में काफी रोती है और फिर दोनों के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब एक दिन अविन अनुष्का के पापा के पास जाता है और कहता है कि अंकल, मुझे अनुष्का की दोस्त सायरा से मिलना होगा ताकि इस केस को और मजबूत किया जा सके। तभी अनुष्का अविन से पूछती है कि सर, इसमें गौतम को कितने सालों की सजा हो सकती है? अविन कहता है कि इसमें 10 साल, 20 साल या उम्र कैद की सजा हो सकती है। ये सुनकर अनुष्का थोड़ी घबरा जाती है और वो कहती है कि सर, क्या हम इस केस को वापस ले सकते हैं? ये सुनकर अविन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाता कि आखिर अनुष्का ऐसा क्यों बोल रही है। वो कहता है कि नहीं, इस तरह का केस वापस नहीं हो सकता, वरना कोर्ट तुम्हें सजा देगी। लेकिन हुआ क्या, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अब अनुष्का इस बात का कोई जवाब नहीं देती और रोने लगती है। दूसरी तरफ अब माधवी भी गौतम के पास बात करने आती है। वो कहती है कि मैं सायरा से बात करना चाहती हूँ क्योंकि तुम दोनों की एक वही कॉमन फ्रेंड है, इसलिए मैं उससे बात करके तुम्हारी साइड से गवाही देने को बोलूंगी।
ताकि तुम इस केस में निर्दोष साबित हो सको। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सायरा मेरे हक में कभी स्टेटमेंट नहीं देगी। ये सुनकर माधवी शॉक हो जाती है और पूछती है क्यों। गौतम बताता है कि अनुष्का मुझे पसंद करती थी, ये बात मुझे पहले से पता थी, ये बात मुझे सायरा ने ही बताई थी। मैं तो बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। अब ये सुनकर माधवी का दिमाग ठनक जाता है। वो कहती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, एक लड़की के ऊपर इस चीज का क्या असर पड़ेगा ये तुमने नहीं सोचा, और उससे भी बड़ी गलती तुमने ये की कि तुमने मुझसे अभी तक ये बात छिपाई। अब तुम्हें सिर्फ सायरा की गवाही ही बचा सकती है, इसलिए उसके हाथ पैर जोड़ो और उसे मनाओ। लेकिन दूसरे दिन अविन पहले ही सायरा के पास पहुंच जाता है और उसे पट्टी पढ़ाता है कि उसे कोर्ट में क्या और कैसे बोलना है। वो कहता है कि केस इस तरह से चलना चाहिए कि सारा इल्जाम गौतम के ऊपर ही आ जाए। खैर, अब अगले दिन कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है, जहां सायरा जज साहब को बताती है कि उस दिन अनुष्का अपने हॉस्टल में आने के बाद खुद को खत्म करने वाली थी, लेकिन लास्ट टाइम पर मैंने उसको देख लिया और ऐसा करने से रोक लिया। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने मुझे सब कुछ बताया। यहाँ अविन उससे पूछता है कि अनुष्का गौतम से प्यार करती है, क्या ये बात गौतम को पहले से पता थी। ये बात सुनकर सायरा अपनी बात से मुकर जाती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता। यहाँ सायरा का स्टेटमेंट चेंज होने की वजह से अविन शॉक हो जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रही है। खैर, अब सुनवाई के बीच जज फाइनली गौतम को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अनुष्का से प्यार करते हो। गौतम कहता है कि नहीं सर, मैं उससे प्यार नहीं करता। जज पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि वो तुमसे प्यार करती है। गौतम कहता है कि नहीं सर, मैं तो उसे अपने फ्रेंड की तरह ही देख रहा था, मुझे नहीं पता था कि उसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा था। और उस रात जो कुछ भी हुआ था वो नशे की वजह से हुआ, उसमें सिर्फ मेरा दोष नहीं था। फाइनल स्टेटमेंट में अविन जज साहब से कहता है कि सर, अब फैसला आपके हाथ में है, अगर आज ये लड़का छूट गया तो बाद में पता नहीं कितने लड़के इस तरह लड़कियों के साथ करीब आकर उनकी जिंदगी बर्बाद करके चले जाएंगे। माधवी भी अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि सर, फैसला करने से पहले आप ये ना भूलें कि आदमियों को इस तरह के केस में फंसाना कितना आसान होता है। अगर सबूत उनका साथ ना दें तो वो वैसे भी दोषी बना दिए जाते हैं। अगर आज गौतम हार गया तो अनुष्का की तरह कोई भी लड़की अपने फायदे के लिए लड़कों का इस्तेमाल करेगी और फिर उस पर केस कर देगी। उस रात गौतम ने शराब पी और अनुष्का ने भी, दोनों ने जो किया वो नशे में किया, ये बात दोनों कह रहे हैं, तो फिर इसमें गौतम का अकेले का क्या दोष है। प्लीज इस बात को ध्यान में रखा जाए। अब ये सुनने के बाद जज फैसला सुनाने की एक डेट देता है और उस रात अविन अनुष्का से मिलने के लिए उसके घर जाता है, क्योंकि वो शॉक्ड था कि आखिर सायरा ने लास्ट टाइम पर अपना स्टेटमेंट क्यों बदला। वो अनुष्का से कहता है कि जब सायरा ने गौतम के पक्ष में बयान दिया तो तुम्हारे फेस पर भी रिलैक्सेशन था, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि ये सब क्यों था। अनुष्का कहती है कि मैं गौतम से प्यार करती हूँ, अगर मैं केस जीत गई तो वो सजा काटेगा और अगर वो जीत गया तो भी मुझसे दूर ही रहेगा, इसमें मेरा क्या फायदा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इससे अच्छा कि उसको कोई सजा ना मिले। माधवी मैडम ने ठीक कहा कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो दोनों ने किया, किसी एक ने नहीं, इसलिए मैंने ही कल सायरा को गौतम के हक में गवाही देने के लिए बोला था। ये सुनकर अविन को एहसास होता है कि ये केस असल में एक तरफा था ही नहीं, माधवी भी अपनी जगह ठीक थी। इसलिए वो उस रात घर आकर माधवी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, उस केस की वजह से मैंने इस चीज को काफी पर्सनल ले लिया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम में से किसी एक को हारना भी होगा, ये भी सच है, तो फिर हम अपने काम की वजह से खुद से क्यों दूर हैं। माधवी को भी अपने ईगो पर गुस्सा आता है कि वो ना चाहते हुए भी अविन से दूर रही। इसके बाद दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। अब आखिरकार फैसले का दिन आता है। जज कहता है कि इस केस में ये बात प्रूव नहीं हुई कि गौतम और अनुष्का एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि गौतम ने अनुष्का को कभी प्रपोज नहीं किया, लेकिन उस रात जो हुआ उसका दोष अनुष्का को देना भी ठीक नहीं, क्योंकि अनुष्का ड्रिंक की हैबिचुअल नहीं थी और गौतम के कहने पर ही उसने ज्यादा ड्रिंक की, इसलिए ये साफ हो जाता है कि गौतम उस वक्त अनुष्का के मुकाबले ज्यादा होश में था और उस चीज को रोक सकता था। हालांकि अनुष्का उस चीज के लिए राजी थी या उसके साथ ये सब बेहोशी में हुआ, ये चीज क्लियर नहीं है कि गौतम उस वक्त होश में था, इसलिए ये अदालत गौतम को 10 साल की कैद की सजा सुनाती है। ये सुनकर गौतम की आंखों में आंसू आने लगते हैं, उसे लगता है कि ये उसकी अकेले की ही गलती नहीं थी। खैर, फैसले के बाद अब अविन और माधवी कोर्ट से बाहर मिलते हैं। अविन कहता है कि क्या तुम्हें इस केस को हारने का दुख है, तो माधवी कहती है कि नहीं, मुझे दुख नहीं है, ये तो काम का एक हिस्सा है। अविन पूछता है कि फिर अब तुम क्या करोगी। माधवी कहती है कि मैं इस केस को आसानी से नहीं छोड़ूंगी और इसे हाई कोर्ट में लेकर जाऊंगी।
और इसी के साथ ये मूवी इस हिंट के साथ खत्म होती है कि इसका अगला पार्ट भी आ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये सस्पेंस मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।